राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने में महज 16 दिन बाकी है, लेकिन थोड़े दिन पहले यह तय नहीं था कि शांति धारीवाल को टिकट मिलेगा या फिर नहीं। लेकिन कांग्रेस की आखिरी सूची में शांति धारीवाल का नाम देखने को मिल ही गया। जब हमने राजस्थान के प्रभारी सुखदेव सिंह रंधावा से सवाल किया कि शांति धारीवाल को टिकट मिलेगा या नहीं, ये चर्चाएं चल रही थी, लेकिन टिकट मिला तो क्या कहना चाहोगे, तो सुनिए प्रभारी रंधावा क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं। राजस्थान में माना जा रहा था कि शांति धारीवाल को लेकर क्या किया जा सकता है, शांति धारीवाल की सातवीं सूची में नाम आ गया, देखने को मिल गया। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं, नारा चल रहा है उनसे, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं। आप देखते हैं कि हमारे युवा नेता उनका पहले लिस्ट में आया, फिर दूसरों का आया। ऐसे हम जो कद्दावर नेता हैं उनको हमने जैसे जैसे उनकी है उसी टाइप से हमने ज्वाइन उनके नाम अनाउंस कर दिए। और धारीवाल जी को पहले ही पता था कि उनकी टिकट क्लियर है, वो तो इलेक्शन लड़ रहे थे। रंधावा ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि शांति धारीवाल को पहले ही पता था कि उनको टिकट मिल रहा है और वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। खैर, आपको ये भी बता दें कि शांति धारीवाल के टिकट में इतना समय क्यों लगा। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव से पहले ही इस पद के लिए अशोक गहलोत का नाम चल रहा था और इसके साथ ही चल रही थी सत्ता के शीर्ष पर परिवर्तन की अटकलें। कांग्रेस की तत्कालीन कार्यकारिणी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे को ऑब्जर्वर बनाकर विधायक दल की बैठक के लिए जयपुर भेजा था। 25 सितंबर को दोनों नेताओं ने सीएम गहलोत के आवास पर विधायक दल की बैठक बुलाई थी, लेकिन गहलोत समर्थक विधायकों ने इस बैठक से किनारा कर लिया। शांति धारीवाल के आवास पर विधायकों ने बैठक की और विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा लेकर विधानसभा स्पीकर के आवास पर जा पहुंचे। इस पूरी कवायद का कर्ता धर्ता शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौर को बताया गया। धारीवाल ने तो यहां तक कह दिया था कि कौन आला कमान, यहां जो भी है गहलोत ही है। कांग्रेस हाईकमान तब चुप रहा, लेकिन जब बारी टिकट बंटवारे की आई तो सूची में इन नेताओं के नाम देखकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी भड़क गए। धारीवाल का नाम देख सोनिया गांधी ने नाराजगी जताई, लेकिन अंत में वो टिकट पाने में कामयाब रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया। ताजा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।